चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। जी जी पापा पैसे तो मिल गए थे लेकिन इस दफा आपने बहुत कम पैसे भेजे हैं, उसमें तो गुजारा नहीं होगा पापा। हेलो हेलो पापा। अरे जानू जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि जानू मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। तुम और शॉपिंग पे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए नबी? जानू तुम अपने शौहर को फकीर समझती हो? नहीं, फकीर तो बहुत अमीर होते हैं नबील। खूबसूरत, तुम मुझे फकीर से भी गया गुजरा समझती हो यार। ठीक है चलो आज मैं तुम्हें दिल खोल के शॉपिंग कराऊंगा। सच? हाँ जानू, पापा जी ने जो पैसे भेजे ना मुझे दे दो, उन पैसों से मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। उफ, शट अप नबील, पापा ने पैसे भी इस महीने कम पैसे भेजे। जानू मैं ये देख रहा हूँ पापा जी जो है ना बहुत गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। क्या? अरे तीसरी शादी क्या कर ली उन्होंने, हमें भूल ही गए भाई। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा खूबसूरत। अच्छा क्या करोगे तुम? मैं भी दूसरा ससुर तलाश कर लूंगा जो मुझे टाइम पे पैसे भेजे। हाँ तो जाओ तलाश कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलो एक काम करो, प्लीज मुझे ना 2-3 हजार रुपया दे दो, मैंने गरीबों को पिज्जा खिलाना। ये कौन से गरीब है नबील जो पिज्जा खाते हैं? माँ जी और महमूद साहब जानू सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि पिज्जा खाना पिज्जा खाना पिज्जा खाना। मेरे पास कोई पैसे नहीं है नबील। जानू एक बेबस लाचार बेटा क्या अपनी भूखी माँ की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता यार? जाकर अपने पैसों से करो पूरी अपनी ख्वाहिशात नबील। ठीक है जानू ठीक है, आज अगर मुझे अपना गुर्दा भी बेचना पड़ा ना तो मैं बेचूंगा और अपनी माँ को पिज्जा खिलाऊंगा। ओके गुड लक। पता नहीं क्या समझती अपने आप को। हाय मसूद, क्या बताऊं? कुछ नहीं, पर मुझे तो बताना है ना। बताओ। यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। मेरा दिमाग मत खाओ मुमताज। हसीना कहाँ है हसीना? मेरी आपके सामने मौजूद है। अरे शुक्र है नबील तुम आ गए हो, समझाओ अपनी माँ को। पुत्र कफील मुझे ना बड़ी जोर की वो लगी हुई है। वो क्या माँ जी? वही जिसकी वजह से पेट में कुत्ते दौड़ते फिरते हैं। ओ माँ जी खुदा का वास्ता यार, मुझे खाली पेट ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ भूख भूख, पुत्र मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे पिज्जा मंगा दे, कितनी बार तुझे कह चुकी हूँ। खूबसूरत ने साफ इनकार कर दिया माँ जी। पिज्जा खाने से? नहीं मंगवाने से। अरे तो तुम मंगवा लो यार नबी। महमूसा मेरे पास पैसे नहीं है और पापा जी ने इस बार खर्चा भी बड़ा कम भेजा है। महमूसा आपको 2 रोटियां कम खानी पड़ेंगी अब डेली। ये क्या बात हुई भाई? क्यों आपको ये वाली बात समझ नहीं आ रही है? भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता पुत्र? हमारे पास ऊपर वाला कमरा खाली है माँ जी, हम वहाँ किराएदार रख सकते हैं। अवश्य अच्छा आइडिया है पुत्र, फिर हम ना सुबह शाम उनके ही घर खाना खा लिया करेंगे। अरे भाई हम तो खुद किराएदार हैं, हम कैसे किराएदार रख सकते हैं? वो रख सकते हैं महमूसा यार, माल मकान को कौन बताएगा भाई, 2-3 महीने के लिए रख लेते हैं, फिर आराम से हमारा भी खर्चा चलता रहेगा। वो जो हमारा आराम से चलता रहेगा वो खर्चा होगा। हाँ जी। अच्छा जी चले एजेंट को फोन करें, मैं खूबसूरत को बता के आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी राणा रिजवान अजमत साहब जी, देखिए मुझे एक नहायत ही खूबसूरत भली मानस नेक शरीफ लड़की चाहिए पेइंग गेस्ट के लिए। ये आप किराएदार ढूंढ रहे हैं अपने लिए, रिश्ता ढूंढ रहे हैं इश्फाक? महमूद और छो महमूद के लिए ढूंढ रहे हैं, फिर ठीक है। भाई लड़की कम उम्र और शोख चंचल होनी चाहिए। सुन पूछे जहेज कितना लाएगी? हाँ जहेज कितना लाएगी? मोमो क्या क्या लगा दिया तुमने यार, मैं को तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता नहीं देख रहा। अरे मैं किराएदार का कह रहा हूँ उसे। इधर दे मैं बताती हूँ कैसा किराएदार चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, हमें ना एक शादीशुदा हट्टी कट्टी बच्चों वाली औरत चाहिए जो अपने जिंदा शौहर समेत इधर आकर रहे एज किराएदार। खबरदार है राणे, जो कोई तनहा खूबसूरत लड़की इधर बेची हो मैं मुंह नोच लूंगी उसका। क्या है मुमताज, मैं अच्छा भला बता रहा था यार। चुप करें मनवर, नहीं तो आपके बड़े से मुंह पे ना बड़ा सा ताला डाल देना मैंने। जानू अब तू
तुम्हें इस घर के खर्चे की फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जानू मैं जो हूँ फिक्र करने के लिए, मैंने सब सोच लिया। तुम मत सोचा करो नबील प्लीज। जानू तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? जी नहीं, जब जब तुमने सोचा है ना हम किसी मुश्किल में फंसते हैं। लेकिन जानू इस बार हम मुश्किल से निकल जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे जानू कि हम ऊपर वाला जो कमरा है ना वो किराए पे देंगे। ये घर हमारा नहीं है नबील। तो क्या हुआ जानू, क्या हम एक दो महीने के लिए कोई प्यारी सी और सचमुच की खूबसूरत लड़की को किराए पे तो दे सकते हैं ना? लड़की को ही क्यों, हम किसी लड़के को भी तो दे सकते हैं ना किराए पे। जानू तुम पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े ये मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी। शट अप नबील। ओके जानू, इस घर में कोई लड़की नहीं आएगी, अगर देना ही है तो किसी छोटी सी फैमिली को दे दो, लेकिन सिर्फ एक महीने के लिए। ओके जानू, थैंक यू जानू, थैंक यू। जी ये तो बड़ा ही छोटा बर्तन है, मेरा गुलशन तो ना बड़े से मटके में दूध पीता है। हाँ। और मुझे ठंडी ठंडी नमकीन लस्सियां गिलास दे दे। आए हाय ये बड़े नदीदे मेरे वो है ये। नहीं मैं तो दूध लेने आई थी ना भाई। लो जी कर लो गल, हम तो अपनी भैंस तो वही पिंड में छोड़ा है। मैं नहीं कहता था छन्नू को साथ ले चलते। कौन छन्नू? वो जी हमारी भैंस। तुम लोग कौन हो भाई, आए क्यों हो यहाँ पे? हो खाला जी माहौल ना करो, खुद ही तो बुलाया था तुमने हमको। खाला होगी खुद आई बड़ी इधर से, खबरदार जो मुझे खाला का, चले दफा हो जाओ इधर से सब। आपने तो बुलाया था किराए का कमरा दिखाने के लिए तो हम आ गए। ओहो तो आप लोग वो हैं। आई 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 आ जाए आ जाए शाबाश अंदर आए। नबील किराएदार मैं फाइनल करूंगी, अच्छी तरीके से देख के सोच के समझ के। ओके ओके जानू ओके कर ले। कैसे आप लोग? जानू ये तो को महमूद साहब की फैमिली से लग रहे हैं यार, सबके देखो कितने बड़े मुंह हैं। नबील मैं गुल्लू हूँ जी। और मैं गोगी हूँ। और मैं गुलशन। बस जी छोटी सी फैमिली है हमारी। देखिए जी हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो निहायत सुकून से प्यार से मोहब्बत से रहे आपस में। हाँ जी हम तो इतने प्यार से रहते हैं और गुल्लू बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। गुल्लू बताए ना वो जो आपने नबस काट ली थी मेरे वास्ते। जी हम लोगों में बहुत प्यार है, क्या आज तक हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज से बात तक नहीं की है। आपको पता है अम्मा अब्बा में बहुत मोहब्बत है। बस तो फिर हम एक महीने के लिए आपको अपना कमरा देने के लिए तैयार। खाना पीना मिला के सिक्का राजुल वक्त 1,00,000 रुपया हो। बस ये ले जी ये ले गिल ले। लाइए महमूद साहब वजन से तो पूरे ही लगाओ। ठीक है लाइए। अच्छा आप लोग अब हमारे साथ आइए। आइए 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 मैं कह रही थी नसीम इस हसीन कपल में कितना प्यार है भाई, व्हाट आई लव। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ी यूं घूमती हुई ऊपर जाती है। हाँ और ऊपर से घूम के वापस यहीं आ जाती है। सच्ची? वाह भाई वाह। अम्मा भूख लगी है। ओ भाई जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता ना तब तक 3-4 किलो दूध ऊपर पहुंचा देना है। 3-4 किलो? ओ क्या है जी मेरा कुछ ज्यादा दूध पी ले तो इससे खाना नहीं खाया जाएगा। ओ चल गोगी ऊपर चल के कमर सीधी कर लेते। आप इसको कमर तो ना कहें। मेरा ख्याल है आप कमरा सीधा कर ले। ख्याल से माशाल्लाह इकट्ठी फैमिली ऊपर चढ़ रही है, अल्लाह खैर करे सुनी होगी। यार महमूद साहब मैं सोच रहा हूँ ये हाथी का बच्चा 3-4 किलो दूध पीने के बाद खाना भी खाएगा। नबील ये बच्चा इतना खाता है तो सोचो इसकी माँ कितना खाती होगी और बाप कितना खाता होगा। भाई कुछ भी हो कम से कम फैमिली छोटी है, शरीफ भोले भाले लोग हैं। चल फिर जल्दी कर उन भोले भाले लोगों के लिए ना खाने की देगें चढ़ाते हैं। महमूद साहब नबील आप लोगों को भी हमारी मदद करनी होगी, अकेले नहीं बना सकते इतना सारा खाना। चले महमूद साहब चल कर आलू प्याज काटते हैं। वो जो हमने चल कर काटने हैं वो आलू और प्याज हैं। हाँ जी आ जाओ जी आज 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 आज
चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मुमताज जब से किराएदार आए तुम्हारे कान ऊपर ही लगे हुए। मेरी कान तो यही है दलावर महमूद। अच्छा महमूद के कान ऊपर है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा बोगी। ये लोग तो चीजें तोड़े हैं यार, इन्हें रोको जाके नबील। मैं मुसावाब जाएं यार। मैं क्यों जाऊं भाई, तुम खुद ही तो कहते थे कि बहुत ही शरीफ लोग हैं। उनकी ऐसी की तैसी यार। लेकिन एहतियात है ना, मेरे साथ चले, हो सकता है कुछ चीज ना उठा के मार दे यार। यार यार ओ चले यार, चले यार, ओ चले यार, ओ चले यार। बड़े लड़ाके लोग हैं ये। उफ शर्मीन। और मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई तुझसे शादी करके। तो मैं कौन सा मरे जा रही थी तुझसे शादी करने के लिए है? पूरे पिंड की सबसे खूबसूरत लड़की थी मैं, पूरे गांव भर से मेरे रिश्ते आ रहे थे। तो बस कर दे बस कर दे। और मेरी माँ ने तेरी माँ पर तरस करके तेरे रिश्ते डाला था। और तरस खा के नहीं, चार गदा गाड़ियाँ जहेज की भर के लाई थी मैं, जब जाके सुकून आया था तेरी कंजूस माँ को। ओए गोगी, मेरी माँ पे बच्चा। अब मैं क्यों जाऊंगी तेरी माँ पे? है तू गया अपनी माँ पे? बिल्कुल टींडे जैसी शक्ल है तेरी। रुक, ये नहीं करना। हाँ तो फेंक दे, मैं कौन सा जहेज में लेकर आई थी? ओ, कोई रोक लो मुझे, नहीं तो मैं इस औरत का खून कर दूंगा। यार मैं मुंह सब रोके ना। तू रुक, मैं अभी ना पिस्तौल लेके आती हूँ। पिछली बार ना मुझे भाई ने दी थी और कहा था कि इस बार गोगी तेरा खसम कुछ करे ना तो उतार देना छह की छह। छह की छह गोलियां। माँ जी सच सच बताएं, आपने सारा खाना खा लिया? मैंने तो एक वो भी नहीं लिया निस्मा। मैं इस पर कुछ गेस नहीं कर सकती माँ जी, आपने एक नवाला तक नहीं छोड़ा। हाँ हाँ नवाला, मैंने तो एक नवाला तक नहीं खाया मैं भाई। तो किसने खाया सारा खाना? जानू गलती हो गई, जानू बड़ी गलती हो गई यार। इसका मतलब है तुमने सारा खाना खाया? नहीं यार, वो लोगों को किराएदार रख के हमने बड़ी गलती कर ली यार, बड़े ही लड़ाके लोग हैं। अरे मियां बीवी के आपस के झगड़े में पिस्तौल निकाल ली उन्होंने। क्या नबी, निकालो फौरन इन लोगों को। वो कैसे निकालो यार, जानू किराया लिया हुआ है, एक महीना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे भाई चलो जल्दी से खाना निकालो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। खाना नहीं है, सारा का सारा कोई खा गया है। ये यकीनन महमूद साहब आपकी हरकत है यार, आपको शर्म नहीं आती? आठ लोगों का खाना खा गए कभी देखे अपना? अरे नबील कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो तुम्हारे साथ ही था भाई, मैं कैसे खा सकता हूँ? एक काम कर परवीन, पिज्जा मंगा ले, बड़ी भूख लगी है। पिज्जा? पिज्जा तो मैं भी खाऊंगा। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खाना खाने के बाद ना मैं सो गया था, बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन अब सारा खाना हजम हो गया, अब भूख लग रही है। वोशे, वोशे। पिज्जा अभी तक नहीं आया यार, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुका हूँ। तो आओ ना बाहर चलकर देखते हैं यार, मैं तो कहता हूँ दो दो स्लाइस बाहर ही खा लेते हैं। अरे वरना तुम्हारी माँ ने ठीक तरह से खाने नहीं देना हमें। अरे साहब आप मेरी माँ के खाने पे नजर रखते हैं यार, एक बात याद रखें, वो आपका नहीं मेरे ससुर का खाती है। यार तुम्हें तो पता है नबील, अरे वो पिज्जे के सामने सारे रिश्ते बुला देती है, ऐसी एक दो स्लाइस बार खा लेते हैं यार। मुंह अच्छा नहीं, लेकिन आप बात अच्छी करें मैं मुसा, चले आए बाहर देखते हैं। खाना चलाओ, आजो 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 आजो। अरे
करेगा सारा पिज्जा हड़प करके तुम लोग। और हम क्या खाएंगे अब? बड़ा मजे का पिज्जा था जी, चूक होगी। खबरदार जो मेरा नाम लिया तो, मैं तो सिर्फ खाने के वास्ते साथ बैठी थी। और हाँ, ऊपर भी नहीं आई तुसी। गोगी सुन तो, मैं कहा रहूंगा गोगी, क्या इसे घूरता जा रहा है सारा? तुम जप गए हो तुम लोग, चल जा अपने माँ बाप के पीछे, निकल यहाँ से। यार मैं मोजा यार, अब क्या हम सिर्फ केचप खाएंगे? यार वो भी कम बखत सारी मुगा गए। ये डायनासोर किसका पड़ा है? ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं नबील? जानू सो रहा है। यहाँ क्यों सो रहा है? जानू नींद की वजह से। उठाओ इसे नबील। जानू क्या हो गया तुम्हें? तीन मन के आदमी को मैं कैसे उठा सकता हूँ? मेरी कमर में तो पहले दर्द है यार। शट अप नबील, मैं गोद में उठाने की बात नहीं कर रही, नींद से उठाओ उसे और वो ऊपर जाए। हाँ जानू उठाता हूँ उठाता हूँ। गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, ओए गुल्लू भाई। भाई ओ भाई, ऊपर जाके सोना अपने कमरे में। ऊपर मेरी पागल बीवी कदम नहीं रखने दे रही है, और आपके घर का आधा सामान तोड़ चुकी है। हम कहाँ सोएंगे भाई? अजी इतना बड़ा घर है, कहीं भी जाके सो जाए जी। भाई जी जा। भागो भागो, डाकू आ गए, भागो। ये डाकू है। अरे ये यहाँ कैसे आया? पता नहीं इश्फाक। महमूद उछो, महमूद छोड़ के गया इसको। पकड़ो कट्टा, भाग गया उसको पकड़ो। है कहाँ कट्टा? अरे ये नींद में बातें कर रहा है मोमो। किससे? अरे अपने आप से यार, अब हम यहाँ कैसे सोएंगे? आप इसे ऊपर छोड़ के आए हफ्ता खार। अरे इस आटे की बोरी को मैं अकेला नहीं उठा सकता। ओए छोड़ो मुझे, बहुत मजा। अरे परा मार हट। अरे मोमो, अरे इसके होते हुए हम यहाँ कैसे सो सकते हैं यार? चल चलाओ बाहर। चल 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 हटो यार, क्या मुसीबत है वो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं वो सब जो आप यहाँ कर रहे हैं। अरे हमारे कमरे में तो वो गुलशन के बच्चे ने कब्जा कर लिया यार। और हमारे में गुल्लू ने, तो हम क्या सारी रात यहाँ बैठ के जगराता करेंगे? देखो नबील। जानू अपनी माँ के सामने मैं तुम्हें प्यार भरी नजरों से कैसे देखूं? देखा कितना मशरकी है मेरा पुत्र। मेरी बात सुनो, सुबह होती उनका एडवांस वापस करो और उन्हें यहाँ से निकालो इस घर से। ओके जानू, बस आज की रात गुजारा कर लो, सुबह होते ही उनका बंदोबस्त करेंगे। मैं मूसा। हाँ यार मैं मूसा भाई, कोई ट्रॉली फिल्म देखते हैं यार? मैं तो देख रहा हूँ यार। ओए आ जा यार, बैठे यार, यार उधर आओ, लगाओ अच्छी सी कोई ट्रॉली फिल्म। लस्सी के बिना नाश्ता नहीं करते। हाँ खानदान वाले। हाँ जी, मुझे नहीं रहना इस गुल्लू के साथ, मैंने ना अपना पूरा खानदान बुला लिया है और पंचायत लगेगी इधर अब। हाँ जब तक फैसला नहीं हो जाता ना, मेरा सारा टब्बर ना इधर ही रहेगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चल।